नमस्कार दोस्तों, जब हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के स्टार्ट करने के दरमियान हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम अपनी पढ़ाई को किन संसाधनों से करें, किन संसाधनों से इसे तैयार करें, कैसे पढ़ें। और जब इस सवाल के हम लोग आगे जाते हैं तब हम लोग के मन में आता है कि हमारे मेंस में ऑप्शनल भी होता है तो हम किस ऑप्शनल का चुनाव करें, और जब हमारे ऑप्शनल का चुनाव हो जाता है तब हम ये सोचते हैं कि उस ऑप्शनल को कैसे तैयार करें। अब यही इस सवाल के जवाब को लेकर के हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये जो सवाल है, अभी हम आपसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बारे में चर्चा करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। अभी इस बार आपके जो यूपीएससी के टॉपर हुए हैं वो भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से ही थे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल काफ़ी छोटा विषय होने के साथ साथ अंकदायी भी होता है और इसकी तैयारी बहुत कम समय में हो जाती है। और चूंकि इसकी तैयारी कम समय में हो जाती है तो बचे हुए समय को आप अपने अन्य सब्जेक्ट यानी जीएस के अन्य पेपरों पे या ऑप्शनल की प्रैक्टिस में, रिवीजन में दे सकते हैं। जब हम ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए बुक्स और नोट्स दोनों ही आपके सामने ऑप्शन है। आपको ये कर सकते हैं आप कि आप इन दोनों को अपने हिसाब से मिक्सअप करके पढ़ सकते हैं, यानी एक अच्छे टीचर का नोट्स ये तो अनिवार्य होता है, और जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो रही है उन टॉपिक्स के लिए बुक ये आप लेके पढ़ सकते हैं। अभी हम बुक की चर्चा नहीं करेंगे, हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के नोट्स की चर्चा करेंगे। जब एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल नोट्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दो दिखाई देते हैं वो वेद आईसीएस और आपके ब्रेंट्री हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए, कई सारे स्टूडेंट जो है मांगते हैं कि सर मुझे और क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है, तो आप इसके लिए वाजीराम के एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स आते हैं वो भी आप लेके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुषिमा मैम के नोट्स भी लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, तेलुगु एकेडमी के नोट्स आते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए, आप इन्हें भी लेके आप अपने ऑप्शन को तैयार कर सकते हैं। अब मैं इन्हें आपको एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे अगर आप ब्रेन ट्री लेते हैं तो ब्रेन ट्री कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मटेरियल ऊँचा हो जाएगा तब मेरा चेहरा ढक रहा होगा। ये आपके ब्रेन ट्री के नोट्स हैं, इन्हें आप अंदर से भी देख लीजिए, ठीक है ना। सबको तो मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, सारे बुकलेट को। तो ये एक नंबर बुकलेट हुआ, ये दो नंबर बुकलेट हुआ, मैं उल्टा तो नहीं पकड़ा हूँ, सही है, दो नंबर बुकलेट हुआ। क्वालिटी सबकी क्वालिटी सेम रहेगी, है ना। ये तीन नंबर बुकलेट है और ये चार नंबर बुकलेट है। तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो सबसे बेहतर विकल्प होते हैं, पहले मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ। दूसरा मैंने आपको ब्रेंट्री दिखा दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया आप वेद आईसीएस ले सकते हैं, ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है ना। वेद आईसीएस में ये जो गोल सर्कल है ये वेद आईसीएस का एक हॉलमार्क बोल सकते हैं, वाटरमार्क बोल सकते हैं, ये वो है। हालांकि इसे पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती है, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, तो ये वेद आईसीएस का एक नंबर बुकलेट हुआ, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, ठीक। ये रहे वेद आईसीएस के। मैं अभी आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए नोट्स को दिखा रहा हूँ कि कौन से नोट्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो मैंने कहा सारे नोट्स अच्छे हैं, वैसे सबसे ज़्यादा डिमांडेबल ब्रेन ट्री आई और वेद आईसीएस होता है, तो मैंने इन्हें दिखा भी दिया। अब मैंने कहा इसके अलावा आप तेलुगु एकेडमी के नोट्स होते हैं, ये काफ़ी हैवी मटेरियल होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये ब्रेन ट्री और वेद आईसीएस को मिला करके अकेले बराबर में ये है, आप इसे देख सकते हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी रहेगी। क्वालिटी तो मटेरियल की, चाहे कोई भी मटेरियल है हमारा, सब अच्छा ही होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। तो आप
तेलुगु एकेडमी के नोट्स भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए ले सकते हैं। ठीक है ना, ये दो बुकलेट हो गया, ये तीसरा बुकलेट है। क्वालिटी की चिंता आप ना करिएगा, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर कोई इतना में दे रहा है सर, वो यहाँ पे इतना में मिल रहा है। देखिए दरअसल क्या होता है, पेपर की क्वालिटी और प्रिंट की क्वालिटी के आधार पे रेट ऊपर नीचे होता है। इसके अलावा अक्षर का साइज भी मायने रखता है, समझ गए ना। थोड़ा सा इसके साथ समझौता किया जाए, कम बेसी किया जाए, रेट ऑटोमेटिक काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर खरीदने जाते होंगे मार्केट में, A4 साइज का सीट, आपके पास तीन चार गो रेट बताया जाता होगा, आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। इसी तरह के ऑप्शन होते हैं प्रिंट करने में भी पेपर्स के, तो उन पेपरों के जो रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रिंट जब यूज़ करते हैं तो उसकी भी क्वालिटी मायने रखती है, अक्षर के साइज़ भी मायने रखता है। इन तमाम तरह के हथकंडों से रेट को ऊपर नीचे किया जाता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे, विश्वास मानिए, ये सब काम यहाँ नहीं होता है। हमारा कोचिंग भी है और शॉप भी है, ये सब काम यहाँ नहीं होता है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप क्वालिटी देखते चलिए, मैंने कहा ब्रेन ट्री आप देख लीजिए, मैंने दिखा दिया, वेद ICS भी मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको तेलुगु एकेडमी दिखा रहा था एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए, है ना। ये यहाँ पे देखिए जो काला काला दिख रहा है ना, ये प्रिंट की ये नहीं है, कमी नहीं है, ये दरअसल यहाँ पे कलरफुल होता है, यहाँ पे कलरफुल चीज़ होता है, इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट में दिखा रहा है आपका। मैं पन्ना पलट के दिखा देता हूँ, देखिए ये साफ है क्योंकि यहाँ पे कलर है, इसलिए आपका ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये चार बुकलेट हो गई आपकी, एक मिनट मैं काउंट कर लेता हूँ, हाँ चार बुकलेट हो गई, और ये पाँच, टोटल पाँच बुकलेट होंगी ये, लेकिन ये थोड़ी मोटी मोटी हैं, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ तो ये था आपका तेलुगु एकेडमी। इसके अलावा सुशीन मैम जो है उनके भी नोट्स आते हैं, उनको भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, इनके भी एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स काफ़ी सेल होते हैं, तो हम लोग इनका भी रख लेते हैं, कोई स्टूडेंट मांगेगा तो ये भी दे सकते हैं हम लोग, आप इन्हें भी देख लीजिए, क्वालिटी सबकी अच्छी रहेगी, आप इन चीज़ों की चिंता ना करिए। देख रहे हैं ना, ये हैंड रिटन मटेरियल है, क्वालिटी की चिंता यहाँ मत करिएगा, आप देख रहे हो कितना साफ साफ पन्ने हैं, है ना, देख लीजिए आप, ठीक है ना, और हैंडराइटिंग भी एकदम साफ सुथरी है, ठीक है। तो क्वालिटी और कंटेंट की चिंता यहाँ ना करिएगा। इसमें टोटल आपको तीन बुकलेट थी, लेकिन ये मोटी मोटी तीन बुकलेट हैं, आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा वाजीराम के भी एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स आते हैं, इनमें टोटल तीन तीन छः, टोटल छः बुकलेट होती हैं। दरअसल हम शॉप पे कम बैठते हैं तो मुझे सब संख्या वगैरह याद नहीं रहता है, ये सब बैठते हैं लोग, ये लोग स्टाफ लोग बैठते हैं तो ये लोग ज़्यादा, इन लोगों को याद रहता है, मालूम रहता है। आप इन्हें देख लीजिए, ये हैं आपके वाजीराम के एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स, ठीक है ना। क्वालिटी जैसा मैंने बताया वैसा ही रहेगा, सबका बढ़िया रहेगा क्वालिटी। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये बाजीराम का लिखा हुआ रहता है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। क्वालिटी इनका भी अच्छा होगा। मंगाने के लिए आपको इसी नंबर, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पे आपको अपना एड्रेस, ये कॉल या मैसेज करना है, उसके बाद आपको एड्रेस भेजना होता है, उसके बाद जो कीमत बताई गई है उसका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होता है, उसके बाद कुरियर होता है। मतलब कॉल करके आप पहले बता दीजिए आपको क्या लेना है, फिर कीमत बताई जाएगी, जिसका पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ से कुरियर होता है, ठीक है ना। तो ये रहे आपके एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल के जो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं उनके नोट्स। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया वाजीराम के, तो कुल मिला के मैंने आपको एंथ्रोपोलॉजी के जो विकल्प आपके पास हो सकते हैं उन सभी विकल्पों को मैंने आपको दिखा दिया।
अगर आपको मंगाना है तो कैसे मंगा सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। हालांकि इसके अलावा कोई दूसरा भी आपका ऑप्शनल है, या आपके पास कोई किताब वगैरह लेनी है, या जीएस के नोट्स लेने हैं, या बुक लेनी है जीएस के लिए भी, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके कीमत पूछ सकते हैं, मटेरियल के बारे में पूछ सकते हैं, और कैसे मंगाना है ये सब चीज़ भी आप अगर ना समझ में आए हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपको जो मैंने मटेरियल दिखाया, आप अपना जब भी लेना होगा आप बता दीजिएगा आपको क्या लेना है, उससे संबंधित आपको कोई डिटेल जाननी हो, फोटो वोटो देखना हो तो वो भी भेज के आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।